नमस्कार, ट्रैफिक प्लान एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। अब मैं आईपी कॉलेज से जब हम शुरू होते हैं, आईपी कॉलेज के लिए मैंने सजेस्ट किया था, दो ऑप्शन दिए थे। उसके बाद हम आगे चले तो पुलिस स्टेशन हमारा सिविल लाइंस का है, उसके सामने एक सिग्नल है, उसके बाद एक सिग्नल यहाँ पर है, ये चंद्रागढ़ और भजनपुरा के लिए जाता है। ये रास्ता हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए है, ये रास्ता यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, और ये रास्ता हमारा आईपी कॉलेज के लिए जाता है। तो यहां पर भी जो ट्रैफिक हमारा चंद्रावल या भजनपुरा से आता है वो सिर्फ 10% ट्रैफिक है, 10%। 90% जो ट्रैफिक है हमारा वो सीधा चलता है, और इसमें भी यहां पर आपने एक सेपरेट लेन दे रखी है जिससे कि जिसको सीधा जाना है वो नॉन स्टॉप सीधा चला जाए। तो यहां पर भी आप ये ट्रैफिक सिग्नल रिमूव करके एक यहां पर हम रोटरी बना सकते हैं, और यहां पर स्पीड ब्रेकर, जैसा मैं सजेस्ट करता रहा हूं कि किसी भी रोटरी को ज्वाइन करने से पहले, फॉरेन कंट्री में तो समझदारी है लोगों में, ऑटोमेटिकली वो रुककर जो राइट साइड का ट्रैफिक होता है उसको जाने देते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो यहां पर उन लोगों को हमें उस सिस्टम में लाना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने आज, आप देखेंगे ऊपर सिस्टम भी लिखा है और सिस्टम के टुकड़े किए हैं मैंने। सिस्टम के तीन टुकड़े हैं, जो पहला है SY, उसका मतलब टुगेदर, और ST का मतलब होता है स्टैंड, और तीसरा जो टुकड़ा है EM, वो हमारा एक इंग्लिश की टर्म है, फॉर्मेटिव सफिक्स। तो कोई भी सिस्टम हम बनाते हैं तो हम वो ऐसा होना चाहिए कि वो साथ में खड़ा रहे। अगर हमने यू टर्न बनाया है तो यू टर्न, जैसा कि सादिक नगर में मैंने कल भी कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट, दो इट इज सक्सेसफुल, हालांकि सक्सेसफुल है, उसका कारण यह है कि वहां से कोई, जो हमने यू टर्न जिनके लिए बनाया है वो दोनों तरफ से गाड़ियां, बड़ी गाड़ी नहीं आती है, जैसे बस आ रही है या कोई ट्रक वगैरह, वो नहीं आते। तो हमारा यू टर्न, हमारा राउंड अबाउट रोटरी ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे अरेंजमेंट के साथ खड़ी हो सके। तो कोई भी काम, चाहे वो हमारा कोई भी काम हो, चाहे ट्रैफिक से रिलेटेड है, इट शुड बी सिस्टमैटिक, सिस्टम से सिस्टमैटिक बनाए। तो कल जो मैंने चंद्रगिराम अखाड़े के बारे में, जो मैंने आप लोगों को तीन ऑप्शन दिए हैं, मैं समझता हूं कभी भी तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली जो ऑप्शन नंबर 3 है कल के वीडियो में, वो तो आप जिस दिन चाहे, जिस वक्त चाहे, उसी वक्त लागू हो कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर अगर रोटरी बन जाएगी तो जो ट्रैफिक हमारा यहां से खड़ा रहता है, सिर्फ 2-4 ट्रैफिक के वजह से वो चलता रहेगा। और जब भी हम यहां पर ये बोलार लगा के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या जर्सी बैरियर लगाते हैं, तो उसमें एरो मार्किंग होनी चाहिए दूर से फ्लोरोसेंट पेंट के साथ, ताकि दूर से नजर आए और कोई भी जाकर सीधा इससे टकराए ना, इससे टकराए ना। इसकी वजह से ही मैंने यहां स्पीड ब्रेकर बनाया है, ताकि लोगों को आगे चलकर जो सिस्टम है उसकी आदत पड़े, ठीक। तो ये हमारा 62 नंबर सजेशन है, और लगभग 60 ही आगे, और कम से कम 60 प्लान और ऐसे हैं जहां पर हम बड़े आराम से सिग्नल फ्री कर सकते हैं, ठीक। तो 1x1 आई एम गिविंग इट 1x1 एंड एरिया वाइज आल्सो, क्योंकि अगर मैं सारे एक ही दिन में डिस्कस कर दूंगा और अलग अलग एरियाज के होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो कंसर्न जो भी TI है या ACP, DCP या एडिशनल CP, वो इसको देखें, और अगर लगता है तो बोलार लगाकर इसको पहले सिग्नल फ्री कर सकते हैं, ठीक।
क्योंकि मेन वॉल्यूम जो है वो सामने का है, यहां से आईपी कॉलेज और इधर से हमारा इस तरफ, जिसको आईपी कॉलेज से चंद्रावल जाना है रोटरी लेकर बड़े आराम से जा सकता है, क्योंकि यहाँ स्पीड ब्रेकर है तो व्हीकल की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो टकराव होने के चांसेस कम है, क्योंकि यहां से भी जो राइट मुड़ता है वो इतना ज्यादा नहीं है। देखिए, जाम या झुंड तब बनता है जब हम ट्रैफिक को रोकते हैं। जब ट्रैफिक चलता रहता है ठीक, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती ट्रैफिक को मर्ज होने में या पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।